उ स्टूडेंट लेट एस डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेल साइड ई कॉमर्स दैट इज सर्विस ओरटेड रिलेशनशिप बिल्डिंग वेबसाइट नाम बहुत लंबा है आसान सा लफ्ज मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या चीज देखें जब हम ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का बेसिक इंटेंट है सेल परचेज ऑनलाइन सेल परचेज ऑनलाइन से मुराद हमारी कि वो सेल परचेज जो इंटरनेट के थ्रू अनेबल हुई है इससे क्या मुराद है कि इंटरनेट इज जो एंड कर दूं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों की जो कनेक्टिविटी हो रही है ना वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है एक मीडियम के थ्रू हो रही है उसको हम लोग ऑनलाइन बोलते हैं मतलब इंटरनेट बोलते हैं जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना उनके इस तरह की वेबसाइट के अंदर क्रेडिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट सेल परचेज नहीं हो रही होती अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अगर अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही तो ये ई कॉमर्स कैसे है ई कॉमर्स ही ऐसे है कि जो आ, सर्विस वाली सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना ये मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को और एंड यूजर को आपस में कनेक्ट करवाती हैं टू डू द ट्रांजेक्शन अब जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन भी हो सकती है वो ऑफलाइन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट मतलब अगेन अगर मैंने अगर मैंने मोबाइल फोन खरीदना है तो हो सकता है कि मैं अमेजोन के थ्रू खरीदू बाई पेइंग द कैश अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है तो मैं वेबसाइट के थ्रू मुझे पता लग जाए क्या मॉडल आए हुए हैं लोकेशन पता लग जाए एंड आई विल गो टू द शॉप और जो भी उनका है मैं वहां से आगे परचेस कर लू गाड़ी और मोबाइल फोन की थी ना जो एग्जाम्पल फिजिकल चीज थी देख सकता हूं जो सर्विस ओरिएंटेड होता है वो सर्विस है यानी मैं फिजिकली देख नहीं सकता मतलब ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना ये बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए होती है ये आप कि कस्टमर uh, यानी जो कस्टमर है वो अमूमन बिजनेस है यानी अमूमन कंपनीज है उनकी प्रमोशन के लिए जो वेबसाइट यूज होती हैं वो बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट होती है तो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट जो होती हैं वो कस्टमर को रीच आउट करने के लिए या ईमेल यूज करती हैं या न्यूज लेटर यूज करती हैं या एस एम एस यूज करती हैं या ब्लॉग यूज करती हैं एंड सो ऑन लेकिन उनका जो इंटेंट होता है ना वो इंटेंट होता है सेल जनरेट करना वाया लीड अब मैं आपको न्यूज फीड आप आ रही है और कुछ एड्स चल रहे हैं आपने किसी एड पे क्लिक किया जो भी डिटेल पेज था वहां खुल गए तो जिस एंड यूजर ने वो एड लगाया होगा ना जिसने फेसबुक को पैसे दिए होंगे वो एड लगाने के उस कस्टमर के डैशबोर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि कस्टमर का नाम क्या है उसका ईमेल क्या है फोन नंबर क्या है तो वो जो कस्टमर है यानी जिसके डैशबोर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन गिरी है जाके या फॉल की है वो आपको कांटेक्ट करेगा तो वो जब आपको कांटेक्ट करेगा तो आप उसके पोटेंशियल क्लाइंट बन गए तो पोटेंशियल सेल हो रही है इससे मुराद ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं उनका फोकस पेमेंट कम लीड जनरेशन ज्यादा होता है एंड बिलीव मी और नॉट ये जो लीड जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना इस पे बेतहाशा ई कॉमर्स के सिस्टम का ये बेसिकली ये क्रक्स है ये बेस है क्योंकि जो बिजनेस ग्रो करता है वो लीड्स के थ्रू करता है मतलब जितनी भी सेल्स हो रही होती हैं इंटरनेट के थ्रू वो लीड्स के थ्रू ट्रैक हो रही होती हैं तो जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना

अपडेट्स भेजनी है मतलब इफ आई हैव समथिंग फ्रॉम फॉर मैंने Amazon से चीज की हुई है तो अब अगर उसी तरह की चीज अमेजोन पे कोई नई फॉर एग्जाम्पल कोई और वेंडर एमेजॉन पे वही चीज दोबारा डिस्प्ले करेगा तो उसमें मुझे ईमेल आ जाए या मुझे कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल न्यूज लेटर आ जाए या मुझे कोई मैसेज आ जाए एंड सो ऑन ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे इंटरेस्ट की चीज एक और एमेजॉन पे मौजूद है दिस इज हाउ वी ट्रैक दिस इज हाउ वी एनेबल द ऑनलाइन सेल परचेज इसी तरीके से जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। मतलब जैसे अब ये एक वेबसाइट है अर्नेस्ट एंड यंग। ये जो भी आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है अर्नेस्ट एंड यंग दिस इज वर्ल्ड नंबर थ्री वेबसाइट इन प्रोवाइडिंग द टैक्स सर्विसेज। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो इसके अंदर सर्विसेज का जो टैब है, है तो लेट्स इफ आई गो टू द टैक्स टैब मैं अगर टैक्स सर्विस के टैब में जाता हूं तो ये जो अर्नर्स एंड यंग है इनकी जो ये बेसिकली अपने क्लाइंट को सर्विसेस देते हैं टैक्स की यानी हाउ टू डील विद द टैक्स इशूज इन डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं टैक्स के रूल्स क्या हैं या टैक्स की एडवाइस देनी है, है वो क्या है तो आई एम ट्राइंग टू से कि ये कोई फिजिकल uh, चीज नहीं दिस अ वर्चुअल थिंग ये सर्विस है अब इस सर्विस को हम एमेजॉन पे uh, या आप कहें वेबसाइट के, uh, के जरिए डायरेक्टली हम नहीं कर सकते तो दिल दिस सर्विस वे दे आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल कस्टमर के अपनी जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो ये शोकेस करते हैं वेबसाइट के ऊपर लाइक जैसे हमने अभी देखा है दे शो केयर सक्सेस स्टोरीज और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं फॉर एग्जाम्पल किसी इस तरह की चीज में जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन आई एम देअर पोटेंशियल क्लाइंट आई अगर मुझे कोई टैक्स का इश्यू आ रहा है एंड आई एम आई एम आई एम लुकिंग फॉर द एडवाइस तो दिस दिस इज माय पोटेंशियल वेबसाइट अगेन जो सर्विस रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं उनका जो पोटेंशियल टारगेट होता है ना वो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस होता है क्योंकि दीज आर द कॉस्टली अफेयर यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि uh, मतलब इंडिविजुअल इसको फॉलो कर सके दीज आर द कॉस्टली थिंग्स ये आई uh, मीन I mean, ये अमूमन कंपनीज होती हैं जो बेसिकली इस तरह की सर्विसेज को सीख कर रही होती हैं तो टू इफ़ आई रैप अप द होल डिस्कशन सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट जो होती हैं वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्व तो कर रही होती हैं लेकिन जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है वो उनकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की सर्विसेज को देख के अट्रैक्ट हो रहा होता है बाय द तो बेसिकली दे पब्लिश देयर सक्सेस स्टोरीज दे पब्लिश देयर सक्सेस केसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ताकि फिर ये लोगों को अपने सर्विसेज की तरफ इंगेज कर सकें